मैं लोगों को हर दिन कम से कम 30 से 40 पेजेस ऑफ समथिंग पॉजिटिव पढ़ने के लिए एनकरेज करता हूँ, ताकि आपका माइंड प्रोग्राम्ड रहे। और हम सभी को ऐसा जरूर करना चाहिए। हम लाइब्रेरी जा सकते हैं और किताबें पढ़ सकते हैं। जब मैं ओग मैंडिनो के बारे में सोचता हूँ, जिन्होंने द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड लिखा था, वो आत्महत्या करने की कगार पर थे, लेकिन नहीं, वो लाइब्रेरी गए, थिंक एंड ग्रो रिच किताब पढ़ी और उनका पूरा जीवन ही बदल गया सिर्फ उस एक बुक की वजह से। इसलिए पढ़ना और खुद को प्रोग्राम्ड रखना बहुत जरूरी है, जिस रीजन से ज्यादातर लोगों को ऐसा करना चाहिए। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारी 86% बातें नकारात्मक हैं और ये चीज अनकॉन्शियस माइंड इसे पता नहीं कर पाता। मोटिवेशनल रिकॉर्डिंग्स एंड पॉजिटिव बातें सुने, यूट्यूब पर जाएं और ऐसी चीजें खोजें जो आपको सशक्त बनाए और आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस को कम करे। हमारे पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं और इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस के कारण अधिकांश लोग अपना जीवन खुलकर नहीं जी पाते हैं। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है जो कहती है, यदि अंदर कोई एनिमी नहीं है तो बाहर का एनिमी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेक्सपियर ने भी कहा है, डियर ब्रूटस, फॉल्ट हमारे सितारों में नहीं बल्कि अपने आप में है। सो आपको खुद को प्रोग्राम करना होगा, अदरवाइज आपका माइंड प्रोग्राम्ड हो जाएगा। दूसरी बात यह है, ऐसे गोल्स रखें जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हों, क्योंकि कुछ ऐसा करने के लिए जो आपने कभी नहीं किया, आपको ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो आप कभी नहीं रहे। आपको रिस्क टेकर बनना होगा। यदि आप रिस्क लेने को तैयार नहीं हैं, तो आप ग्रो नहीं कर सकते, और अगर आप विकसित नहीं हो सकते तो आप अपने सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते। अगर आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते तो आप खुश नहीं हो सकते, और यदि आप सुखी नहीं हो सकते तो और बचा ही क्या है ना? अपने रिलेशनशिप को अपग्रेड करिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो केवल नेगेटिव एनर्जी दूसरों की लाइफ में ढाला करते हैं। ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं होते, क्योंकि वो टॉक्सिक रिलेशन उनकी खुद की पावर से एक कॉम्प्रोमाइज है। साइकाट्री में एक टर्म है जिसे रिलेशन इलनेस कहा जाता है। ऐसे लोग आपको बीमार कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि क्या हम उन्हें बदल सकते हैं, तो जवाब है नहीं। देखिए, सीधी बात है, खुद को बदलना एक फुल टाइम जॉब है। चेंज खुद से आना चाहिए, दूसरों को मत बदलिए, खुद को बदलिए। साइकोलॉजिस्ट ने दुनिया भर में कुछ टॉप अचीवर्स एंड सक्सेसफुल लोगों का अध्ययन किया और वो ये पता लगाना चाहते थे कि उनमें कौन सा कॉमन डिनोमिनेटर था जिसने उन्हें अपने गोल्स तक पहुंचने में सक्षम बनाया। और साइकोलॉजिस्ट ने ये पाया कि उनमें से 85% अपने लक्ष्य तक अपने एटीट्यूड, अपने बारे में उनका विजन के कारण पहुंचे हैं, और बाकी 15% अपनी योग्यता के कारण। इसीलिए स्कूल, जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ने लिखने और एरिथमेटिक्स पर ही फोकस्ड रहता है। ये क्रिटिकल थिंकिंग पर विचार नहीं करता और ये युवा लोगों को खुद के विजन को बनाने में मदद नहीं करता, जो उन्हें हमारी सोसाइटी के लिए एक एसेट बनाने की अपॉर्चुनिटी देगा। याद रखिए, आप में ग्रेटनेस छुपी हुई है। मैं आपको नहीं जानता, लेकिन यहां मैं अपने अनुभव के आधार पर जानता हूं कि आप में ग्रेटनेस है। आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक करने की क्षमता आपके पास है। आप में महानता है कि जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो मुझे हॉवर्ड थर्मन के वर्ड्स याद आते हैं, जिन्होंने कहा था, हमारे सब में ग्रेटनेस की एक प्रेजेंस है। पहचानिए, आपके अंदर एक इनर वॉइस है जो आपसे कुछ कहना चाहती है। ये शायद एकमात्र मार्गदर्शक होगा जो आपने कभी नहीं सुना होगा, और यदि आप इसे नहीं सुन सकते हैं तो आपका सारा जीवन उन कठपुतलियों की तरह गुजर जाएगा जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। अधिकांश लोग अपने बारे में बताए गए झूठ को जीते हुए जीवन व्यक्त करते हैं, और हमें एनकरेज किया जाता है कि इस दुनिया के अनुरूप, यानी कि इस दुनिया के अकॉर्डिंग ना हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो बाय रिव्यूइंग योर माइंड, अपने माइंड को रिव्यू करने के लिए, अपने बारे में अपने विजन का विस्तार करने के लिए, खुद का विजन रखने के लिए, भविष्य में योगदान देने वाले जीवन के लिए कंटिन्यूअसली वर्क करें। आप में कुछ ऐसा है जो आपकी परिस्थितियों से बड़ा है। आप में कुछ ऐसा है जो आपके सामने आने वाली एडवर्सिटीज से भी बड़ा है। जीवन वैसा ही है जैसा फॉरेस्ट गंप ने कहा, चॉकलेट का एक बॉक्स।
आप कभी नहीं जानते कि आपको क्या मिलने वाला है। लाइफ में हम या तो समस्या में हैं, बस एक से बाहर आ गए हैं, या एक की ओर बढ़ रहे हैं। आप में महानता है, ये मेरी कहानी है एंड आई एम स्टिकिंग टू इट। मेरी माँ एक बहुत अमीर परिवार के लिए काम कर रही थी एंड वो मियामी बीच पर अमीर परिवारों के लिए काम करती थी, और मुझे मिस्टर सिडेस्की याद है, उन्होंने इन परिवार के लिए खाना बनाया और हमने उनका बचा हुआ खाना खाया। उसने मुझे उन बच्चों के कपड़े सौंपे जिनके लिए वो काम करती थी, और जब मुझे मिस्टर सिडेस्की के ऑफिस की सफाई करने और उनके जूते चमकाने का काम मिला तो वो मोटिवेशनल रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। मुझे पता नहीं था, जब मैं उनके जूते चमका रहा था तब कुछ उन रिकॉर्डिंग्स की आवाज मेरे तक पहुंची। वो वर्ड्स जिम रॉन के थे, शायद ये थे वो वर्ड्स, जब अंत यानी एंड तुम्हारे पास आए तो वो तुम्हें नए माउंटेन्स पर विजय प्राप्त करते हुए पाए, एक पुराने माउंटेन से स्लाइड होते हुए नहीं। और जिग जिगलर जैसे लोग के, यदि आप लोगों को वो देते हैं जो वो चाहते हैं तो वो आपको वही देंगे जो आप चाहते हैं। आपके बारे में किसी की राय को आपकी रियलिटी मत बनने दीजिए। लोग अपना जीवन कैसे जीते हैं ये उस कहानी का रिजल्ट है जिस पर वो अपने बारे में विश्वास करते हैं। मैं लोगों को उनकी महानता में जाने के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, ताकि उनके कंफर्ट जोन से परे सपनों को आगे बढ़ाने के लिए करेज डेवलप करना शुरू कर सकूं। जब आप अपनी महानता का पीछा करते हैं तो आप नहीं जानते कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, क्योंकि कुछ ऐसा करने के लिए जो आपने कभी नहीं किया, आपको ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो आप कभी नहीं रहे। वैसे आपसे एक छोटा सा फेवर चाहूंगा, पूछिए तो क्या, अरे यही कि नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।